Hey there, welcome back to the channel. Today we will be discussing educational code sources round 122 rated for DIP 2. Problem B पहले देख लेते हैं, okay. उसके बाद problem A देख लेंगे. So problem B में क्या बोला था हमें, basically एक string given होगा, okay. Basically मैं explain कर देता हूँ यहाँ पर. हमारे पास एक string होगा, okay. और वो binary string होगा, यानी कि 0 और 1 से ही बना होगा मिलके. मतलब हर एक character इधर 0 होगा या फिर 1 होगा, okay. और हमें क्या करना था, हमें बोला गया था कि हमें मैक्सिमम रिमूवल 0 के करने अचीव या फिर 1 के करने, मतलब मैक्सिमम रिमूवल करना है कैरेक्टर का, चाहे जिसका भी करो तुम्हारे पे मर्जी है, ठीक है. और रिमूवल कैसा अचीव करना, मतलब कैसे होगा वो देखो, वो देख ध्यान देना है कि जैसे कि मान लो कि तुम कोई पार्ट ले रहे हो सब स्ट्रिंग का, वो टेस्ट केसेस से दिखा देता हूँ मैं, ओके. लाइक इस वाले टेस्ट केस में देखो, तो यहाँ तक 0 का काउंट क्या है, 1 है. तो जीरो काउंट ऑफ जीरो जो भी है, लेट्स से सी टी ऑफ जीरो बड़ा है काउंट ऑफ वन से, क्योंकि वन तो जीरो है. तो जिसके जिसका भी स्मॉलर है ना, जो भी स्मॉलर है, जिसका भी काउंट स्मॉलर है, उसको तुम्हें डिलीट करना है उस एरे से. तो यहाँ तो एक भी है ही नहीं, तो डिलीट क्या करोगे, कुछ भी नहीं. फिर आगे आओगे, फिर मतलब यहाँ पे कितना है, जीरो का काउंट 2 हो गया, अभी भी जीरो है. तो जिसका लेसर है उसको डिलीट करना है, इसका 1 हो गया, इसका 2 ही रह गया, तो लेसर तो ये इरेज होगा. तो उसी तरह हमें ऐसे इरेज करना है कि ये जो काउंटर, मतलब ये जो इरेजिंग है यहाँ पे, जैसे एक 1 ही गायब होगा ना, मतलब केवल एक ही कैरेक्टर गायब होगा, तो हमें ये रिमूवल ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमाइज करना है. तो वो कैसे करोगे वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है. आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो हम देखते हैं, जस्ट सेकेंड. ओके, सो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं करने को. हमारे पास था एक बाइनरी स्ट्रिंग है जो कि 00100 कुछ 10 कुछ भी है, ठीक है. कुछ भी ले लो रैंडम सा, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ऐसे, ठीक है. गिवन बेसिकली क्या होगा, या तो आपका पूरा स्ट्रिंग में ना काउंट ऑफ 1 और 0 बराबर होगा, एक ये हो सकता है गेस, या फिर कोई एक लीड करेगा, ठीक है. यही पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना. आप इसे क्या ही ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कोई एक लीड करेगा इधर 1 या फिर 0, ठीक है. तो बेसिकली इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, मिनिमम ऑफ दिस 2, ठीक है. मतलब 1 हो या 0 हो, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ. मतलब ये केवल यहाँ दिख रहा है बड़ा वाला, आपको मतलब लेस देन वाले के लिए भी आप सोच सकते हो सिमिलरली. तो वही देख रहे हैं, मिनिमम ऑफ द 2, मतलब लाइक काउंट ऑफ 1 काउंट ऑफ 0, इन दोनों का जो मिनिमम होगा ना वही आंसर हो जाएगा हमारा. मतलब कि एक आंसर ये होगा, ठीक है. और इक्विवेलेंट होगा, अगर इक्वल है तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली. तो इक्वल है तो तुम क्या करोगे कि मतलब तुम मिनिमम वाले को इरेज कर सकते हो ना, तो तुम एक घटा लोगे, मतलब अपना सब स्ट्रिंग का लेंथ एक घटा लोगे, ट्रिम कर लोगे. चाहे वो 0 ट्रिम हुआ 1 ट्रिम हुआ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 0 ट्रिम हुआ होगा तो 0 में से माइनस 1 होगा और इसमें से माइनस होगा. तुम्हें तो क्या करना है, बस जितने भी हट रहे कैरेक्टर उनका आउटपुट देना है. तो ये भी सेम है, ये भी सेम बात है, तो चाहे जिससे भी माइनस 1 करो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो बेसिकली इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 1 करके आंसर दे दो, यही बस करना था हमें, ठीक है. बेसिकली देख लेते हैं कोड. ओके, सो जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग स्कैन किया हमने, ठीक है. एज यूजुअल स्ट्रिंग स्कैन कर लिया, ओके. स्ट्रिंग स्कैन करने के बाद हमने काउंट मेंटेन कर लिया एक बार इटरेट करके स्ट्रिंग के ओवर, मतलब पूरा देख लिया जितना भी. अगर इक्विवेलेंट था तो उसके से माइनस 1 करके आंसर दे दिया. अदर देन दैट में हमने क्या किया कि मिनिमम ऑफ द 2 जो भी था वो आंसर हमारा बन गया. जो बोला मैंने वो एक्चुअली वही इंप्लीमेंट किया है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो समझाने का इसमें है नहीं, ओके. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई फर्दर डाउट होगा तो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके. अब ए देखते, प्रॉब्लम ए देख लेते हैं, वो भी जल्दी से देख लेते, वो भी बेसिक सा प्रॉब्लम था.
ओके, अब थोड़ा कुछ सेकंड आगे बढ़ा लेना, ये प्रॉब्लम आप डिस्कस आपको दिख जाएगा वहाँ से आपको। ओके, तो प्रॉब्लम ये आ गया। आप इसमें क्या बोला था बेसिकली कि हमारे पास गिवन होंगे, एक एन गिवन होगा, ठीक है, जिसका यहाँ पे आपको डिफाइंड है सम रेंज गिवन वैल्यू, मतलब इसी रेंज में होगा एन, ठीक है बेसिकली। और आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट चेंज, मतलब आपको डिजिट का जो चेंज है ना वो कम से कम करना है, और 7 से डिविजिबल नंबर ऑब्टेन करना है, ठीक है। आपको बस यही प्रोसेस आउट करना है और बताना है कि वो नंबर क्या होगा, जो भी होगा, मतलब नियरेस्ट डिविजिबल, ठीक है। अगर डिविजिबल है तो वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करा देना, ठीक है, यही करना था मतलब बेसिकली। अब देखो इसे अचीव कैसे करना है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, चलो देखते हैं इस चीज़ को। इनपुट्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं समझने को। ओके, सो एन हमारे पास मान लो 377 है। ओके, तो आपको अगर देखना है तो इसमें एट मैक्स जो मिनिमम चेंज होगा, मतलब कम से कम या फिर ज़्यादा ज़्यादा भी आप बोलो, कम से कम तो जीरो चेंज, ठीक है, मतलब सीधा डिविजिबल मिल गया तो वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना चेंज होगा, वो मैक्स टू मैक्स केवल एक डिजिट का ही चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप 10 तक में, मतलब 1 से 10 का रेंज में आप ऐसा नंबर निकाल ही लोगे जो 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 को खुद इस रेंज में, मतलब खुद इस रेंज का बाउंडेड है। तो मॉड्यूलो जो ऑपरेट करता है वो हमेशा 1 to 6 करेगा, ठीक है, मतलब रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं हो सकता नंबर का, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा मतलब कितना ही बड़ा हो लोगे, ठीक है, लास्ट डिजिट आपका मतलब आउट ऑफ द 10 तो नहीं जा रहा, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये 1 से 9 में तो आराम से फॉल कर जाएगा, इतना डन है। तो आप केवल एक ही डिजिट चेंज कर लो, लेकिन आप चेक कैसे करोगे, चेंज कैसे करोगे, तो बेसिकली क्या करना था इसमें आपको ना, मतलब हर एक केस में, मतलब लाइक इससे लोअर बाउंड, मतलब इसका लोअर बाउंड क्या होगा, यूनिट डिजिट को मैं 0 कर दूं, एंड अपर बाउंड क्या होगा कि मैं इसको एक ऐड कर दूं, लाइक 80, मैं इस रेंज में चेक कर लूं, जो भी मुझे डिविजिबल मिले वही मेरा आंसर बन जाएगा। बस यही किया मैंने, ठीक है, और इसके कैसे इंप्लीमेंट किया वो देख लेते हैं, चलो। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर क्या हमने किया है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया कि 377 था ना, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, 377 एन मिला, अगर डिविजिबल है तो एज इट इज़ आउटपुट करा दिया, आफ्टर दैट अगर नहीं है डिविजिबल तभी ये काम करना है हमें, बाकी का जो भी राम गानी है ये पूरा हमें तभी काम करना है, ठीक है बेसिकली। फर्दर इसके लिए क्या करना था हमें कि वाई हम क्या किए कि पहले डिवाइड कर दिए, तो 37 ऑफ 10 हुआ, डिवाइड बाय 10 क्या देगा कि आगे के दो, आगे का डिजिट देगा, मतलब दो नहीं, मतलब बोलो आप लास्ट डिजिट छोड़ के आगे के डिजिट दे देगा, लाइक यहाँ 37 दे रहा है, पीछे का एक डिजिट गायब हो जाएगा। और मैं क्या बोला था कि आपको कि 370 मतलब लोअर बाउंड लेना है, तो बेसिकली times 10 कर दो तो आपको 370 मिल जाएगा, और एक अपर बाउंड ले रहा है तो 37 + 1 करके times 10 कर दो, वही किया है मैंने यहाँ पर, देख लो आप। ओके, और देन फिर उसी में उस रेंज में लूप चला लो आप, जो भी आपको मिल जाता है जो कि 7 से डिविजिबल है, मिलना तय है, मतलब मिलना तो तय ही है आपको, अगर मिल जाता तो आप आउटपुट कर दो। ओके, उसी चीज़ को आप एज एन आंसर आउटपुट कर लो। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा दोनों सॉल्यूशंस, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।